मायसेल्फ राहुल गुनावत और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो कफ के अंदर जो ड्रग्स हैं जो यूज लिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे तरह के जो ड्रग्स हैं वो यूज लिए जाते हैं कफ के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कफ ए एक्चुअली में होता क्या है, तो दिखा देता हूँ आपको। तो कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है इंडेक्स टू रिमूव एडिनेंट्स एंड एक्युमुलेट्स ऑफ सेक्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी पासेस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट्स के अंदर जो सेक्रेशन अकुमुलेट्स हो जाते हैं या फिर अगर ऐसा बोलूं कि जो इरिटेंट्स हैं वो एंटर कर जाते हैं, तो हमारी बॉडी है वो एक तरह की प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स करती है। और जब हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स करती है जिसको ही हम क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। और ये जो कफ है, कफ दो तरह से हो सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव कफ भी हो सकता है और नॉन प्रोटेक्टिव कफ भी हो सकता है। जो प्रोटेक्टिव कफ होता है उसको यूजफुल कफ बोला जाता है और जो नॉन प्रोटेक्टिव कफ होता है इसको ड्राई कफ और यूजलेस कफ बोला जाता है। तो जो नॉन प्रोटेक्टिव और ड्राई कफ है जिसको यूजलेस कफ बोला जाता है, इसका जो एम ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या होता है कि कफिंग को हमें क्या है, स्टॉप करना रहता है। और जब कफिंग को इसके अंदर स्टॉप करना रहता है तो अपन ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है इसके अंदर सप्रेशेंट देते हैं। और ये सप्रेशेंट देने की वजह से क्या होता है कि ये सप्रेशेंट क्या करता है कि जो कफ के जो सेंटर होता है उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है। और जब कफ के सेंटर को सप्रेस कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कफ की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कफ के बारे में जिसको यूजफुल कफ बोला जाता है। तो इस कफ के अंदर अपन सप्रेशन नहीं देते, सप्रेशन देंगे तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। कैसे, अगर मान लो कि सप्रेशन दे दिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे, अगर मान लो कि इसके अंदर क्या है कि जो सप्रेशन है वो सप्रेशन की वजह से अगर दे दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है। और ये जो अगर एम ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए इसके अंदर, तो हमें इसका एम ऑफ ट्रीटमेंट है कि स्पूटम को इसके अंदर अपन को क्या करना है, कम करना है। जबकि नॉन प्रोटेक्टिव का जो एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या था कि इसके अंदर जो कफिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको स्टॉप करना है। जबकि इसका एम ऑफ ट्रीटमेंट है कि विस्कोसिटी स्पूटम की जो विस्कोसिटी है उसको डिक्रीज करना है। और ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो अगर ये इन्फेक्शन हो गया सप्रेशन देने की वजह से जिसके कारण अपन ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं इन्फेक्शन के को रिमूव करने के लिए। और एक्सपेक्टोरेंट भी देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है जनरली कि ये विस्कोसिटी स्पूटम की जो विस्कोसिटी होती है उस स्पूटम की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है और ये जिसकी वजह से जो स्पूटम की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ड्रग्स है जो यूज लिए जाते हैं कफ के अंदर, वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये टोटल चार तरह के जो ड्रग्स है वो यूज में होते हैं, यूज में लिए जाते हैं कफिंग के लिए। तो यहाँ पे अपन इस वीडियो के अंदर ओनली दो तरह के ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। इससे जो अगला वीडियो है उसके अंदर दो ड्रग्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट ड्रग्स है वो है एक एंटी टसिव। एंटी टसिव अपन को भी पता है कि एंटी टसिव अपन ने कहा पढ़ा था कि ये एक तरह का कफ सेंटर सप्रेशेंट है, मतलब जो नॉन प्रोटेक्टिव कफ जिसको अपन ड्राई कफ बोलते हैं और यूजलेस कफ बोला जाता है। तो वहां पे बोला था और मैंने कहा था वहां पे कि यहाँ पे इसका जो एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि एम ऑफ ट्रीटमेंट है इसका कि स्पूटम को एम ऑफ ट्रीटमेंट है कि कफिंग को स्टॉप करना है। और जब कफिंग को स्टॉप करना है तो जो सप्रेशेंट देते हैं और सप्रेशेंट देने की वजह से ये सप्रेशेंट क्या करता है कि जो कफ का जो सेंटर होता है उसको क्या है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कफिंग की प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। तो ये बहुत सारे तरह ये जो एंटी टसिव है जो ड्रग्स है जो कफ के लिए दिया जाता है ये बहुत सारे तरह के होते हैं। ये केमिकल्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है तो एंटी टसिव को कि ये बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे ओपोइड्स से, नॉन ओपोइड्स से, एंटी स्टामिन से और पल्मोनरी रिसेप्टिव डिसेंटिटाइजर है। तो उसके बाद में ओपोइड्स की अगर बात की जाए तो ओपोइड्स के अंदर होता है कोडीन और फोलकोडीन। नॉन ओपोइड्स के अंदर है नोस्केपिन और डेक्स्ट्रोमिथोरपेन। और एंटी स्टामिन के अंदर है प्रोमिथेजीन और क्लोरोफिलोमाइंस और है डाइफिनल हाइड्राइमींस। और नेक्स्ट है, दिखा देता हूँ आपको, और नेक्स्ट है पल्मोनरी रिसेप्टिव डिसेंटिटाइजर। तो ये है फिनोरेक्सिन डाइक्सिन। तो ये सारे के जो ड्रग्स है जो कफ के लिए यूज में लिए जाते हैं ये ओपोइड से, ये नॉन ओपोइड से, एंटी हिस्टामिन से और पल्मोनरी रिसेप्टिव है डिसेंटिटाइजर है। तो ये सारी चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए, ये सारे के सारे ड्रग्स। तो
अब बात करते हैं एंटी टसिव के बारे में। अगर एंटी टसिव के बारे में बात की जाए तो ये सप्रेस करता है कफ सेंटर इन ब्रेन के अंदर। और इसकी जो मेन बात है याद रखने की वो ये है कि जो एक साल से कम वाला जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, इन्फेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उसको एक साल से कम वाले बच्चे को ये एंटी टसिव जो ड्रग्स है ये अवॉइड की जाती है, उसको नहीं देते अपन। और ये है कि जो एंटीस्टामिन्स कब दी, एंटीस्टामिन्स की अगर बात की जाए वो एंटीस्टामिन्स कब देते हैं, जब एलर्जी कंडीशन होए रेस्पिरेटरी ट्रेट्स के अंदर तब ये एंटीस्टामिन्स दी जाती है। तो एंटीस्टामिन्स प्रोड्यूस द सिम्टमिक रिलैप्स इन द कोल्ड एंड कफ एसोसिएट विद द एलर्जी कंडीशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रेट। कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी ट्रेट्स के अंदर जो एक एलर्जी कंडीशन हो जाती है जब स्टामिन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण भी ये हो जाती है, जब मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन मैंने बताया था तो वहां पर मैंने बताया था कि जो स्टामिन्स का लेवल बढ़ जाता है तो जिसके कारण हो जाता है एलर्जी हो जाती है। तो जब एलर्जी कंडीशन के अंदर जो एंटी स्टामिन्स देते हैं और ये क्या करता है, रिलीफ करता है कोल्ड के अंदर और कफ के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडजुवेंट एंटी टसिव। ये एडजुवेंट एंटी टसिव क्या है अगर इसके बारे में बात की जाए तो जो एंटी टसिव एंटी जो एडजुवेंट एंटी टसिव है ये क्या है। कहने का मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी की अगर बात की जाए तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो ये एडजुवेंट जो वर्ड है, जो एडजुवेंट जो ये शब्द है, इट्स एडजुवेंट शब्द का मतलब क्या होता है कि फार्माकोलॉजी इफेक्ट है वो इस पे नहीं होता है, या फिर ऐसा बोलूं कि होता है तो बहुत ही कम होता है। करेक्ट, मैंने क्या बोला कि फार्माकोलॉजी के अंदर जो एडजुवेंट जो वर्ड है, जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है या फिर होता है तो बहुत ही कम होता है। और अब जब और ये क्या करता है कि इसके खास बात क्या है कि ये एफिकेसी और पोटेंशी को बढ़ा देता है, और अदर ड्रग्स की किसकी अदर ड्रग्स की जो एफिकेसी और जो पोटेंशी होती है उसको बढ़ा देगा। और जब व्हेन गिव एट अ सेम टाइम्स, जब अपन देते हैं सेम टाइम्स, तो उस समय जो एडजुवेंट के साथ, अगर ये मान लो कि एडजुवेंट है ये एंटी टसिव के साथ अगर एडजुवेंट देते हैं तो उस समय ये ज्यादा इफेक्टिव काम करता है। और इसके लिए जो एक ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है ये, और ब्रोंकोडाइलेशन के अंदर भी जो ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है ये, और जो ड्रग्स दी जाती है इसके अंदर वो है सल्ब्यूटामोल्स और है टर्ब्यूटालीन। करेक्ट, ये दो तरह के ड्रग्स हैं। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये फेरेंजियल डिमल्सेंट्स और एक्सपेडेटेंट्स के बारे में बात करेंगे और इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। तो ये जो चैनल है मेडिकोज स्टूडियो, इसको अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल से मेडिकोज स्टूडियो, वहां आप वहां पे इसके जो नोट्स है वो मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, तो वहां से आप देख सकते हो। और अगर आप ऐड नहीं हो मेडिकोज स्टूडियो में तो डायरेक्ट आप ऐड हो सकते हो मेडिकोज स्टूडियो, जब टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, जो ग्रुप आ जाएगा और उसमें आप ऐड हो सकते हो। और ये जो वीडियो है ये कफ का, ये एग्जाम पॉइंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अक्सर आना ही चाहिए। थैंक यू एवरीवन, माय सेल्फ राहुल कुनावत। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो कफ के अंदर जो ड्रग्स हैं जो यूज लिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे तरह के जो ड्रग्स हैं वो यूज लिए जाते हैं कफ के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कफ है ये एक्चुअली में होता क्या है, तो दिखा देता हूं आपको। तो कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है इंडेक्स टू रिमूव एडहेरेंट्स एंड एक्युमुलेट्स ऑफ सेक्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी पासेस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रेट्स के अंदर जो सेक्रेशन एक्युमुलेट्स हो जाते हैं,
या फिर अगर ऐसा बोलू कि जो इरिटेंट्स हैं वो एंटर कर जाते हैं, तो हमारी बॉडी है वो एक तरह की प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स करती है, और जब हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। और ये जो कफ है, कफ दो तरह से हो सकते हैं, ये प्रोटेक्टिव कफ भी हो सकता है और नॉन प्रोटेक्टिव कफ भी हो सकता है। जो प्रोटेक्टिव कफ होता है उसको यूजफुल कफ बोला जाता है, और जो नॉन प्रोटेक्टिव कफ होता है इसको ड्राई कफ और यूजलेस कफ बोला जाता है। तो जो नॉन प्रोटेक्टिव और ड्राई कफ है जिसको यूजलेस कफ बोला जाता है, इसका जो एम ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या होता है कि कफिंग को हमें क्या है, स्टॉप करना रहता है। और जब कफिंग को इसके अंदर स्टॉप करना रहता है तो अपन ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है, इसके अंदर सप्रेशन देते हैं। और ये सप्रेशन देने की वजह से क्या होता है कि ये सप्रेशन क्या करता है कि जो कफ के जो सेंटर होता है उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है। और जब कफ के सेंटर को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कफ की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव कफ के बारे में, जिसको यूजफुल कफ बोला जाता है। तो इस कफ के अंदर अपन सप्रेशन नहीं देते, सप्रेशन देंगे तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। कैसे, अगर मान लो कि सप्रेशन दे दिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, कैसे, अगर मान लो कि इसके अंदर क्या है कि जो सप्रेशन है वो सप्रेशन की वजह से अगर दे दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है। और ये जो अगर एम ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए इसके अंदर, तो हमें इसका एम ऑफ ट्रीटमेंट है कि स्पूटम को इसके अंदर अपन को क्या करना है, कम करना है। जबकि नॉन प्रोटेक्टिव का जो एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या था कि इसके अंदर जो कफिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको स्टॉप करना है, जबकि इसका एम ऑफ ट्रीटमेंट है कि विस्कोसिटी स्पूटम की जो विस्कोसिटी है उसको डिक्रीज करना है। और ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो अगर ये इन्फेक्शन हो गया सप्रेशन देने की वजह से, जिसके कारण अपन ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक देते हैं, और एंटीबायोटिक देते हैं इन्फेक्शन के को रिमूव करने के लिए, और एक्सपेक्टोरेंट भी देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है जनरली कि ये विस्कोसिटी, स्पूटम की जो विस्कोसिटी होती है उस स्पूटम की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देता है, और ये जिसकी वजह से जो स्पूटम की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाती है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ड्रग्स है जो यूज लिए जाते हैं कफ के अंदर, वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये टोटल चार तरह के जो ड्रग्स है वो यूज में होते हैं, यूज में लिए जाते हैं कफिंग के लिए। तो यहाँ पे अपन इस वीडियो के अंदर ओनली दो तरह के ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। इससे जो अगला वीडियो है उसके अंदर दो ड्रग्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट ड्रग्स है वो है एक एंटीटसिव। अपन को भी पता है कि एंटीटसिव अपन ने कहा पढ़ा था कि ये एक तरह का कफ सेंटर सप्रेशेंट है, मतलब जो नॉन प्रोटेक्टिव कफ जिसको अपन ड्राई कफ बोलते हैं और यूजलेस कफ बोला जाता है, तो वहां पे बोला था। और मैंने कहा था वहां पे कि यहाँ पे इसका जो एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि एम ऑफ ट्रीटमेंट है इसका कि स्पूटम को एम ऑफ ट्रीटमेंट है कि कफिंग को स्टॉप करना है। और जब कफिंग को स्टॉप करना है तो जो सप्रेशन देते हैं, और सप्रेशन देने की वजह से ये सप्रेशन क्या करता है कि जो कफ का जो सेंटर होता है उसको क्या सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कफिंग की प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। तो ये बहुत सारे तरह की जो एंटीटसिव है, जो ड्रग्स है जो कफ के लिए दिया जाता है, ये बहुत सारे तरह के होते हैं। ये केमिकल्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है तो एंटीटसिव को, कि ये बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे ओपोइड्स से, नॉन ओपोइड्स से, एंटी स्टामिन से, और पल्मोनरी रिसेप्टिव डिसेंटिटाइजर है। तो उसके बाद में ओपोइड्स की अगर बात की जाए तो ओपोइड्स के अंदर होता है कोडीन और फोलकोडीन। नॉन ओपोइड्स के अंदर है नोस्केपिन और डेक्स्ट्रोमिथोरपेन, और एंटी स्टामिन्स के अंदर है प्रोमिथेजिन और क्लोरोफिलोमाइंस, और है डाइफिनल हाइड्राइमीन्स, और नेक्स्ट है दिखा देता हूँ आपको, और नेक्स्ट है पल्मोनरी रिसेप्टिव डिसेंटिटाइजर। तो ये है फिनोरेक्सिन, डाइक्सिन। तो ये सारे के जो ड्रग्स है जो कफ के लिए यूज में लिए जाते हैं, ये ओपोइड से, ये नॉन ओपोइड से, एंटी हिस्टामिन से, और पल्मोनरी रिसेप्टिव है डिसेंटिटाइजर है। तो ये सारी चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए, ये सारे के सारे ड्रग्स। तो अब बात करते हैं एंटीटसिव के बारे में। अगर एंटीटसिव के बारे में बात की जाए तो ये सप्रेस करता है कफ सेंटर इन ब्रेन के अंदर। और इसकी जो मेन बात है याद रखने की वो ये है कि जो एक साल से कम वाला जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, इन्फेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उसको, एक साल से कम वाले बच्चे को ये एंटीटसिव जो ड्रग्स है ये अवॉइड की जाती है, उसको नहीं देते अपन। और
ये है कि जो एंटीस्टामिन्स कब दी, एंटीस्टामिन्स की अगर बात की जाए, वो एंटीस्टामिन्स कब देते हैं, जब एलर्जी कंडीशन होए रेस्पिरेटरी ट्रेट्स के अंदर, तब ये एंटीस्टामिन्स दी जाती है। तो एंटीस्टामिन्स प्रोड्यूस द सिम्पटमिक्स रिलैप्स इन द कोल्ड एंड कफ एसोसिएट विद द एलर्जी कंडीशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रेट। कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी ट्रेट्स के अंदर जो एक एलर्जी कंडीशन हो जाती है जब हिस्टामिन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण भी ये हो जाती है, जब मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन मैंने बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो होगा हिस्टामिन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो जिसके कारण हो जाता है एलर्जी हो जाती है। तो जब एलर्जी कंडीशन के अंदर जो एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, और ये क्या करता है, रिलीफ करता है कोल्ड के अंदर और एक कफ के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडजुवेंट एंटी टसिव। ये एडजुवेंट एंटी टसिव क्या है, अगर इसके बारे में बात की जाए, तो जो एंटी टसिव एंटी जो एडजुवेंट एंटी टसिव है, ये क्या है। कहने का मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी की अगर बात की जाए, तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो ये एडजुवेंट जो वर्ड है, जो एडजुवेंट जो ये शब्द है, इट्स एडजुवेंट शब्द का मतलब क्या होता है कि फार्माकोलॉजी इफेक्ट है वो इस पे नहीं होता है, या फिर ऐसा बोलूं कि होता है तो बहुत ही कम होता है। करेक्ट, मैंने क्या बोला कि फार्माकोलॉजी के अंदर जो एडजुवेंट जो वर्ड है, जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है या फिर होता है तो बहुत ही कम होता है। और अब जब और ये क्या करता है कि इसकी खास बात क्या है कि ये एफिकेसी और पोटेंशी को बढ़ा देता है, और अदर ड्रग्स की, किसकी, अदर ड्रग्स की जो एफिकेसी और जो पोटेंशी होती है उसको बढ़ा देगा। और जब व्हेन गिव एट अ सेम टाइम्स, जब अपन देते हैं सेम टाइम्स, तो उस समय जो एडजुवेंट के साथ, अगर ये मान लो कि एडजुवेंट है ये एंटीटसिव के साथ अगर एडजुवेंट देते हैं, तो उस समय ये ज्यादा इफेक्टिव काम करता है। और इसके लिए जो एक ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है ये, और ब्रोंकोडाइलेशन के अंदर भी जो ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है ये, और जो ड्रग्स दी जाती है इसके अंदर वो है सल्ब्यूटामोल्स और है टर्बुटेलिन। करेक्ट, ये दो तरह के ड्रग्स हैं। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये फेरेंजियल डिमल्सेंट्स और एक्सपेरेटेंट्स के बारे में बात करेंगे, और इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। तो ये जो चैनल है मेडिकोज स्टूडियो, इसको अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और मेरा टेलीग्राम चैनल से मेडिकोज स्टूडियो, वहाँ आप वहाँ पे इसके जो नोट्स है वो मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, तो वहां से आप देख सकते हो। और अगर आप ऐड नहीं हो मेडिकोज स्टूडियो में, तो डायरेक्ट आप ऐड हो सकते हो मेडिकोज स्टूडियो, जब टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, जो ग्रुप आ जाएगा और उसमें आप ऐड हो सकते हो। और ये जो वीडियो है ये कफ का, ये एग्जाम पॉइंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अक्सर आना ही चाहिए। थैंक यू।